नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दतिया जिले को नशा मुक्त बनाए जाने के लिए इंद्रगढ़ नगर परिषद सहित जिले में आज सभी शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थाओं व आंगनवाड़ी केंद्रों पर नशा न करने की जन सामान्य को शपथ दिलाई गई। कलेक्टर संजय कुमार ने न्यू कलेक्ट्रेट में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। कलेक्टर संजय कुमार ने इस मौके पर नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए कहा कि नशा नाश की जड़ है, नशा विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है, नशा करने वाले व्यक्ति का समाज में मान व सम्मान नहीं रहता, समाज उसे हीन भावना और विभिन्न नामों से पुकारते हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण हैं, जिस व्यक्ति ने नशा नहीं छोड़ा उसने इस दुनिया को जल्द ही छोड़ दिया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा, एसडीएम दतिया ऋषि कुमार सिंघई, एसडीएम सेवड़ा अनुराग निंगवाल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी इंद्रगढ़ महेंद्र सिंह यादव के साथ जिला अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित थे। हम लोग नशा मुक्त भारत नशा मुक्त दतिया का अभियान चला रहे हैं। पिछले दो वर्षों से 15 अगस्त 2020 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक ये कैंपेन चला रहे हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे कार्यक्रम हम पूरे ज़िले में वेरियस किस्म के कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज दतिया में आचार संहिता जो इलेक्शन का था उसको ख़त्म होने के तुरंत बाद हम पब्लिक के बीच में गए और नशीले पदार्थों की शवयात्रा, नशाशुर की शवयात्रा, एक नशीले पदार्थों का एक शवयात्रा निकाली और उसके पीछे लोगों को खासतौर से जो नशे का दुष्परिणाम है उसके बारे में अवेयर करना है। बेसिकली इस प्रकार की गतिविधियों से की चर्चा होती है और ऐसी गतिविधियां जिसमें अधिक से अधिक इस बारे में लोग बात करें और समझें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक रैली जैसी करी और उसमें हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी ने काफ़ी भारी मात्रा में लोगों ने भाग लिया और बहुत ही अच्छे से ये मैसेज जनता में गई है और इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग निकट भविष्य में और कई करने वाले हैं जिसे लोगों को हम समझा पाएं कि नशा नाश का जड़ है।